मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने प्यारे साथियों, आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी गई है। इस मैट्रिक्स में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नीचे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है साथियों। सबसे पहले वीडियो को रोककर आप स्वयं से प्रश्न लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है प्यारे साथियों। सबसे पहले आपके पास ऊपर के जो टू बॉक्स में नंबर दिए गए 14 और 4, अगर इन दोनों की आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितने नंबर प्राप्त होंगे यहाँ पे 56, 56 नंबर। इसी प्रकार से अगले दो बॉक्स में जो नंबर आपके पास है 12 और 3, इन दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितने नंबर हमें प्राप्त हो सकते हैं 12 3 36। इसके बाद प्यारे साथ इन दोनों का अगर हम यहाँ पे अंतर करें, 56 में 36 को माइनस करें, तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं 20, जो आप लास्ट के बॉक्स में यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी प्रकार का कंसेप्ट आप नेक्स्ट में अप्लाई कीजिए। सबसे पहले आपके पास जो 2 डिजिट है 9 और 9, अगर इन दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितने नंबर हमें प्राप्त होंगे 81 नंबर। इसके बाद अगली हमारे पास 2 डिजिट है 13 और 3, 13 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 3 39, 81 में से 39 को माइनस करेंगे कितने नंबर हमें प्राप्त होंगे 42, जो आप लास्ट के बॉक्स में यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी प्रकार का कंसेप्ट आप नेक्स्ट में अप्लाई कीजिए। सबसे पहले प्रथम 2 डिजिट हमारे पास है 12 और 8 नंबर, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त होंगे 96 नंबर। बाद अगली 2 डिजिट हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई 11, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितने नंबर हमें प्राप्त होंगे 77 नंबर। 96 में 77 को माइनस करेंगे तो हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे यहाँ पे 19 नंबर, जो आप यहाँ पे लास्ट में लिख के देख पा रहे हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ तक का कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। इसी प्रकार का कंसेप्ट आपको नेक्स्ट में अप्लाई करना है तो कीजिए। सबसे पहले ऊपर की हमारे पास 2 डिजिट है 20 मल्टीप्लाई 10, इन दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितने नंबर हमें प्राप्त होंगे 200 नंबर। इसके बाद प्यारे साथियों 20 को हम किस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, इससे कि 200 नंबर में से माइनस करने के बाद हमें बॉटम में 40 नंबर प्राप्त हो। कुल सिंपल है साथियों, ऑप्शन ए बी सी डी में आप चेकआउट कीजिए किस नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 8 नंबर से। 20 और 8 की मल्टीप्लाई करें कितने नंबर यहाँ पे 160 नंबर में प्राप्त होंगे। तो प्यारे साथियों 200 में से 160 को माइनस करेंगे तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं 40 नंबर, जो कि आप यहाँ पे बॉटम में देख पा रहे हैं। इसका मतलब प्यारे साथियों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको कितने नंबर की आवश्यकता है 8 नंबर की, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, यदि फैन को लिखा जाता है साथियों कुछ इस प्रकार से 21 26 13, तो उसी कूट भाषा में डेड DEAD को क्या लिखा जाएगा। नीचे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, तो प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व आउट करने के लिए सबसे पहले आपको अल्फाबेट के रियल और अपोजिट मान याद होने चाहिए। कंसेप्ट के ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, फैन को प्यारे साथियों हम इन संख्याओं में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे साथियों सबसे पहले हमारे पास F, F को लिखा हुआ है साथियों यहाँ पे 21 21, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है साथियों, F का अपोजिट यहाँ पे जो नंबर रहेगा, F का अपोजिट आपके पास रहेगा U, U की प्लेस वैल्यू को यहाँ पे नोट डाउन किया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट लेटर हमारे पास है A, A का अपोजिट रहेगा साथियों यहाँ पे Z, और अल्फाबेट में Z की प्लेस वैल्यू रहेगी 26 26 नंबर। इसके बाद लास्ट अक्षर हमारे पास N, N का अपोजिट रहेगा साथियों यहाँ पे M, और M की प्लेस वैल्यू रहेगी अल्फाबेट में यहाँ पे 13 नंबर 13 नंबर। तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है साथ, शब्द में जितने भी अक्षर हैं इनके अपोजिट अक्षरों के मान यहाँ पे नोट डाउन किए। तो आपके पास साथियों इसी प्रकार से एक शब्द है DEAD, आपको सिंपली इनके अपोजिट नंबर की वैल्यू को नोट डाउन करना है। जैसे सबसे पहले हमारे पास डी का अपोजिट रहेगा साथियों यहाँ पे W, और W की प्लेस वैल्यू रहेगी यहाँ पे 23। इसके बाद ई का अपोजिट रहेगा साथियों यहाँ पे वी, और वी का अपोजिट रहेगा यहाँ पे 22। इसके बाद ए का अपोजिट रहेगा यहाँ पे जेड, और जेड की प्लेस वैल्यू रहेगी यहाँ पे 26, और लास्ट अक्षर डी का अपोजिट यहाँ पे डब्लू की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 23 23। तो प्यारे साथियों फाइनली आपका आंसर रहेगा 23 22 26 23, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है साथियों, आपके पास जो शब्द है फैन, जस्ट इसके सामने अपोजिट अक्षरों के मान लिखे हुए। तो इसी प्रकार से साथियों हमारे पास जो डेड है DEAD, सिंपली इनके अक्षरों के अपोजिट मान को अगर नोट डाउन करेंगे तो हमें कौन सा नंबर प्राप्त होंगे, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा उसी समूह से संबंधित नहीं है, इसका मतलब ये प्यारे साथियों आपके पास नीचे चार ऑप्शन में अलग अलग शब्द हैं, जैसे नंबर ए में घी, तेल,
पनीर और दही। प्यारे साथियों, तीन में एक जैसी समानता है और एक इनसे अलग है, उस अलग को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जिन्होंने बी को सिलेक्ट किया, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी, तेल, ठीक है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है साथियों, घी, पनीर और दही, ये सभी किसके प्रोडक्ट है साथियों? मिल्क यानी कि दूध के, ठीक है। जबकि आपका तेल इनसे भिन्न है, अलग है। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 49वें स्थान पर बैठा है, तो बताएं कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? नीचे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए। तो प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल है, एक कक्षा में ऊपर से शंकर का कौन सा स्थान है? 16वां, और नीचे से कौन सा स्थान है प्यारे साथियों? 49वां, 49। कक्षा में कुल छात्र आपसे पूछे तो सिंपली साथियों आपको कुछ नहीं करना, इस प्रकार के प्रश्न में दोनों साइड के जो स्थान आपको दिए गए इनको सिंपली आपको यहाँ पे ऐड करना है, प्लस करना है, तो कीजिए। 16 और 49 आपके पास कितने रहेंगे यहाँ पे? 65 नंबर। और सिंपली साथियों इस टोटल वैल्यू में से एक नंबर की आपको यहाँ पे कमी करना है, 65 में अगर एक कम करें तो कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त होंगे? 64। ये एक नंबर कम क्यों करना है? बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि साथियों एक कक्षा में टोटल जो छात्र रहेंगे हर व्यक्ति को वहां पे एक बार काउंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम जब क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं तो एक व्यक्ति को यहाँ पे दो बार काउंट किया गया। जैसे एक पंक्ति में ऊपर से शंकर का कौन सा स्थान है? 16, मतलब इस 16 नंबर में कौन बैठा हुआ है? शंकर। और नीचे से 49वां नंबर भी किसका है? शंकर का। इसका मतलब इस 49 नंबर में भी कौन बैठा हुआ है? शंकर। और हम सबको क्लियर है साथियों, पंक्ति में एक व्यक्ति एक बार ही काउंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने शंकर को दो बार काउंट किया, 16 में भी और 49 में भी। तो आपको सिंपली साथियों ये दोनों जो स्थान दिए गए ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी स्थान दिए जाए दोनों को आपको सिंपली ऐड करना है और अपने पास से एक नंबर की यहाँ पे कमी करना है। इसके बाद जो भी डाटा प्राप्त होगा ये साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 64। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को चेकआउट कीजिए। आपके पास यहाँ पे जो सीरीज दी गई है 2, 5, 9, 19, इससे अगले नंबर को फाइंड आउट करना है। तो कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले प्यारे साथियों आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए, 2 से 5 नंबर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर प्यारे साथियों 2 को हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें एक नंबर की वृद्धि करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 5 नंबर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 ऐड करेंगे, कितने नंबर? 5 नंबर। इसी प्रकार से साथियों 5 से 9 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर 5 को हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10 और 10 में अगर हम 1 की कमी करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 9 नंबर। इसी प्रकार से प्यारे साथियों 9 से 19 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 दूनी 18, 18 में अगर हम 1 ऐड करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं? 19। इसका मतलब प्यारे साथियों आपका यहाँ तक का जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो चुका है। इन सभी संख्याओं को प्यारे साथियों 2 से मल्टीप्लाई किया गया, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट, पहले 2 से मल्टीप्लाई, इसके बाद यहाँ पे 1 प्लस, अगले में 2 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 1 की कमी, इससे नेक्स्ट नंबर में 2 की मल्टीप्लाई और 1 नंबर की वृद्धि। इसका मतलब साथियों जो भी आपका नेक्स्ट नंबर रहेगा आपको इसको कितने से मल्टीप्लाई करना रहेगा? 2 नंबर से। 2 सभी में कॉमन है। इसके बाद पहले 1 नंबर की वृद्धि, फिर 1 की कमी, फिर 1 की वृद्धि, अब आपका यहाँ पे 1 की कमी होगा। कीजिए 19 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 19 दूनी यहाँ पे 38, 38 में 1 कम करेंगे कितने नंबर हमें प्राप्त होंगे यहाँ पे? 37, 37 नंबर, जो कि किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी के अंदर। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यहाँ तक का जो कंसेप्ट है आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को चेकआउट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने 6, 11, 27, 51, 123, 171, इससे नेक्स्ट नंबर को आपको फाइंड आउट करना है। काफी बार रिपीटेड प्रश्न है प्यारे साथियों, इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी प्रकार के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कंसेप्ट क्या है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपके पास जो 6 नंबर है इसको हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? अगर प्यारे साथियों हम यहाँ पे 2 का वर्ग करें और इसमें 2 नंबर को ऐड करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं? 2 का वर्ग हमारे पास 4 और 4 में अगर हम 2 ऐड करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं? 6 नंबर। इसी प्रकार से प्यारे साथियों 11 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर यहाँ पे हम 3 का वर्ग करें और 3 के वर्ग में साथियों 2 नंबर की वृद्धि करें तो
में कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 11 नंबर। 3 का वर्ग यहाँ पे 9, 9 में 2 ऐड करेंगे कितने नंबर हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे 11 नंबर। इसी प्रकार से अगले नंबर को आप चेकआउट कीजिए, 27 नंबर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे 5 का वर्ग करें और इसमें 2 नंबर की वृद्धि करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 5 का वर्ग यहाँ पे 25, 2 ऐड करेंगे यहाँ पे 27 नंबर। इसी प्रकार से अगले नंबर को चेकआउट कीजिए, 51। 51 को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम 7 का यहाँ पे वर्ग करें, 2 ऐड करें, 7 का वर्ग 49, 49 में 2 ऐड करेंगे 51। इसी प्रकार से 123 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे 11 का वर्ग करें और इसमें 2 नंबर की वृद्धि करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 123। 11 का वर्ग 121, 121 में 2 ऐड करेंगे कितने नंबर आपके पास? 123। इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर आपके पास है साथियों 171 नंबर। इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे 13 का वर्ग करें और इसमें 2 नंबर की वृद्धि करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 171। 13 का वर्ग आपके पास यहाँ पे 169, इसमें 2 ऐड करेंगे 171। तो प्यारे साथियों, आपका यहाँ तक का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। आपके पास यहाँ पे जो नीचे ये सीरीज दी गई है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे 2 का वर्ग, इसके बाद 3 का वर्ग, इसके बाद 5 का वर्ग, इसके बाद 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13। ये कौन सी संख्या है? ये साथियों आपके अभाज्य संख्याएं रहेंगी, ठीक है? कौन सी संख्या रहेंगी? अभाज्य संख्याओं का यहाँ पे वर्ग किया गया। अभाज्य का मतलब होता है प्यारे साथियों, जिस संख्या पर केवल 2 संख्याओं का भाग जा सके, एक तो एक नंबर का और एक स्वयं संख्या के मान का, वे सभी संख्याएं आपके अभाज्य रहेंगी। जैसे इसमें 2 नंबर, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद कितने नंबर? 13। तो 13 से अगला आपका साथियों अभाज्य नंबर कौन सा रहेगा? 14 नंबर भी नहीं रह सकता, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, तो कौन सा नंबर रहेगा प्यारे साथियों यहाँ पे? 17 नंबर। तो इससे अगला नंबर हमें प्राप्त करने के लिए 17 का वर्ग प्लस हमें कितने नंबर करने रहेंगे इसमें? 2 नंबर। 17 का वर्ग आपके पास यहाँ पे कितने नंबर रहेंगे? 289। और इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 291 नंबर, जो कि किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी के अंदर। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आपका यहाँ तक का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। सबसे पहले साथियों आपके पास यहाँ पे जो सीरीज दी गई है उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से चेकआउट कीजिए किसी संख्या के वर्ग या क्यूब के आसपास तो नहीं। जैसे हमने सीरीज को चेकआउट किया, ये किसी न किसी वर्ग संख्या के आसपास है।